दोस्तों नमस्कार, 30 जून है आज और आज के बाद यानी ये मान करके चले कि अगले 100 दिन हरियाणा के अंदर राजनीतिक रूप से बहुत गर्म रहेंगे, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव है और इन चुनाव के दौरान हरियाणा में अगर कुछ चलेगा तो वो सिर्फ राजनीति राजनीति और राजनीति। राजनीति के अंदर चर्चाएं होती हैं, अफवाहें होती हैं, कयास लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं और तमाम प्रकार के इस दौर में यानी कि जब चुनाव का दौर चलता है तो लोगों के अंदर ये भी चलता है कि कौन क्या कर रहा है, राजनीति के अंदर किसको कहाँ टिकट मिल सकता है, कौन कहाँ जा सकता है और मैंने आपसे कहा अफवाहें, तो इस दौरान में अफवाहें और रूमर्स बहुत चलते हैं पूरे फरीदाबाद के अंदर कहूँ या पंवत जिले में कहूँ या पूरे हरियाणा में कहूँ। पिछले दिनों एक बहुत चर्चा गर्म थी, एक अफवाह चल रही थी, एक रूमर है कि करण सिंह दलाल भी क्या कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इस बात को दम तब ज्यादा मिला या इस बात को हवा तब ज्यादा मिलना शुरू हुई जब किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में चली गई। कई नाम चले उस दौरान में, हमने भी आपको बताया कि क्या करण सिंह दलाल छोड़ सकते हैं। हालांकि मैंने आपको अपने वीडियो में ये भी कहा था कि करण सिंह दलाल के लिए कोई और फॉर्म नहीं है और कांग्रेस के लिए फरीदाबाद पलवल में कोई और नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कयास थे तो हमने भी आपसे कई वीडियो शेयर किया इस बात को जानने के लिए कि कितना दम है, क्या करण सिंह दलाल वाकई उनके मन में कुछ चल रहा है या आजकल है कहाँ, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई बयान नहीं आया उनका। ये जानने के लिए मैं पहुंचा पलवल कांग्रेस के कार्यालय में और पलवल कांग्रेस के कार्यालय में मुझे यहाँ मिले हैं महावीर दवल। महावीर दवल, अगर मैं ये कहूँ कि करण सिंह दलाल के बहुत नियरेस्ट गेस्ट लोगों में है, उनके नजदीक के लोगों में है। महावीर जी कैसे हैं? स्वागत है आपका। बड़ी चर्चाएं आजकल करण सिंह दलाल की, कहां है आपके नेता जी आजकल? देखो मुकुदी, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन के दौर में अफवाहें बहुत आती और अपोजिशन वालों का काम होता है कि अफवाह के द्वारा माहौल को खराब कर। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अफवाहें चल रही हैं मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि दलाल साहब की एक यहाँ पहले के बीच में गांठ बन गई। अच्छा, तो उनका उन्होंने ऑपरेशन कराया जी और दिल्ली ऑपरेशन करा के उन्होंने 15 दिन का बेड रेस्ट बताया है, तो फरीदाबाद वो आराम कर रहे हैं, बार बार उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ओके, तो इसलिए इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना, तो माहौल ऐसा, मौसम ऐसा है आज का, पसीने यहाँ पसीने ज्यादा आते हैं, तो इसमें थोड़ा घर पे रेस्ट बना रखा है और बार बार डॉक्टर की कंसल्ट भी करना पड़ता है, इसलिए वो 15 दिन के लिए हॉस्पिटल से बेड रेस्ट। ऑपरेशन क्यों हुआ था? ऑपरेशन उनका 27 तारीख को ऑपरेशन हुआ उनका और वो उस दिन से 2 दिन तो हॉस्पिटल ही रहे, 2 दिन से बेड रेस्ट पे और 1-2 दिन बाद उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। उनकी चर्चाएं हैं, कोई चर्चा है या कोई कार्यकर्ता भी कि दलाल साहब ने पहले से रोक क्यों नहीं दिया? उनको जब पता चली पंद्रह दिन पहले, तो उन्होंने देखी नहीं कभी उसको। चर्चाओं पर अफवाहों पर गौर किया नहीं, क्योंकि वैसी बात थी नहीं। देखिए सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखना होगा, आने वाला इलेक्शन बहुत नजदीक है, अगर हम इस बात को और लेट करते तो इलेक्शन के अंदर दिक्कत आती है, उन्हें बोलने में दिक्कत आती है, इसलिए उन्होंने जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन किया। दलाल साहब से आपकी लास्ट बात कब हुई? मेरी कल की बात है। उनका ये है कि कोई किसी प्रकार की बिल्कुल किसी पर सोच भी नहीं, मतलब सोच ये बिल्कुल अफवाह टोटली झूठ है। इलेक्शन जल्दी से जल्दी है क्योंकि सरकार अल्पमत में है और अल्पमत में सरकार कभी भी इलेक्शन का विरोध में जा सकती, तो इसलिए हमने कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस कार्यकर्ता सभी इलेक्शन के लिए तैयार है।
तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है करण सिंह दलाल के नेतृत्व में पलवल के अंदर, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भाभी तरफ कह रहे हैं कि इन बातों को केवल अपना माना जाए, विराम लगा रहे हैं कि इन बातों में कोई धर्म नहीं है, यहाँ वहां की कोई बात किसी तरह की सोच में भी नहीं है, किसी बात का प्रैक्टिकल होना तो बहुत अलग बात है। महावीर कमल ने तो कहा करण सिंह दलाल अस्वस्थ है, उनके प्रयास करेंगे, एक तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हो, और दूसरा भी प्रयास करेंगे कि उनका स्वस्थ होने के बाद में आपसे उनको सीधे दूर करवाएंगे। इस प्रकार की अफवाहें वैसे राजनीति में दोस्तों चलती रहती है, राजनीति के अंदर अफवाहों का चर्चाओं का कयासों का, मैंने आपसे पहले कहा कि इनका चुनाव तक, खासकर जब चुनाव का सीजन चलता है तो इनका उठाव ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है। आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि महावीर जी तो कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल की लेकर के सभी जो चर्चाएं हैं केवल अफवाह है, इनके अलावा कुछ नहीं है, विराम लग गया है। ये विराम कितना रहेगा और चुनाव की तैयारियों को लेकर करण सिंह दलाल कब सक्रिय होते हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि अस्वस्थ है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जल्दी स्वस्थ हो, पर प्रयास करेंगे आपसे रूबरू कराएंगे, और इस प्रकार की घटनाओं, इस प्रकार के हालात और चर्चाओं से नित्य प्रति आपको जोड़ते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।